YouTube channel. I hope you all are doing very very well. आज के वीडियो में मैं एक मोस्ट रिक्वेस्टेड यू नो कॉमेंट जो हमारे पास बहुत ज्यादा आता है उसके ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ, विच इज BCA प्लस MCA रोडमैप. जी हाँ, अगर आप एक BCA स्टूडेंट हैं या फिर आप BCA करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दी प्लेसमेंट्स जो आपके BCA MCA के बाद होने वाले हैं. सो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा प्रोसेस समझते हैं, BCA MCA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो क्या आपका पैकेज एक BTech स्टूडेंट के पैकेज के इक्विवेलेंट लग सकता है या नहीं, एंड अ लॉट मोर. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. लेते हैं इस, क्या बीटेक इक्विवेलेंट है BCA के, क्या बीटेक इक्विवेलेंट है BCA प्लस MCA के, या फिर बीटेक इज अ लॉट बेटर देन BCA एंड MCA बोथ. देखिए, अगर आपके दिमाग में कहीं से भी मिसकंसेप्शन है कि आप एक BCA MCA स्टूडेंट हैं, आपका पैकेज कभी भी उतना अच्छा नहीं लग सकता जितना एक BE या BTech स्टूडेंट का लगता है, then that's absolutely incorrect. एक BTech का स्टूडेंट is equivalent to a BCA plus MCA स्टूडेंट. जी हाँ, अगर आपने सिर्फ BCA करी है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करी है, देन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू फिल्टर आउट कर देंगी, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने इंटरव्यू प्रोसेस में बैठने के. बट यही आपने अगर BCA करने के बाद एक अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से MCA कर लिया है, देन आप एक BTech स्टूडेंट के बराबर आ जाते हैं. जिन कंपनीज में BTech स्टूडेंट अवेलेबल है किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए, एलिजिबल है किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, उन सभी सेम पोजीशंस के लिए आप भी एलिजिबल हो जाते हैं. तो पहली चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, BTech इज इक्वल टू BCA प्लस MCA, राइट. इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है जो लव बबर ने उनके चैनल पे भी बनाया हुआ है, आप उनसे भी जाकर के देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, वहां आपको बहुत सारी हेल्पफुल लिंक्स भी मिल जाएंगी. सो मेक श्योर आप वो भी चेकआउट कर लें. जब ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है, अब हम नेक्स्ट चीज देखने के लिए स्टार्ट करते हैं कि अब किस कॉलेज से हमें BCA MCA करना चाहिए, क्या हमारे कॉलेज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है. तो जी हाँ, अगर आप दो डिग्रीज कर रहे हैं, ये इन जनरल कॉमन रूल है, राइट. अगर आप बीटेक के बाद MBA कर रहे हैं, आप बीटेक के बाद MS कर रहे हैं, या फिर आप BCA के बाद MCA कर रहे हैं, तो जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री होती है BCA MCA के केस में, विच इज गोइंग टू बी MCA, उसका कॉलेज मैटर करता है, पुराने कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये कुछ उसी तरह से बात हुई कि आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे, आपके बैचलर्स के कॉलेज के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था. आपके टेंथ में कितने परसेंटेज थे, आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो जो भी आपका लेटेस्ट डिग्री आप कर रहे हैं उसी के कॉलेज से फर्क पड़ता है. सो इन केस ऑफ BCA एंड MCA ये बात हमने समझ ली है कि MCA करना हमारे लिए कंपलसरी है अगर हमें अच्छे पैकेजेस लेने हैं, अच्छी कंपनी, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब लेनी है, तो उसके लिए MCA के लिए हमें बेस्ट कॉलेज में जाना है. अगर BCA की बात करते हैं तो आप BCA में भी डेफिनेटली एक लिस्ट है कुछ अच्छे कॉलेज की जिसको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. मैंने उस लिस्ट में लिखे हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, VIT, IPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड SRM यूनिवर्सिटी. ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको BCA का ऑप्शन ऑफर करती है. आप यहाँ से अगर BCA करते हैं तो इवन आफ्टर BCA यू कैन ग्रैब अ पैकेज ऑफ व्हाट अ सर्विस बेस्ड कंपनी प्रोवाइड्स टू इट्स BTech स्टूडेंट्स. काफी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब BTech स्टूडेंट्स को अराउंड अबाउट 360,000 का पैकेज देती है ईयरली, विच बॉयल्स डाउन टू 30,000 पर मंथ. अगर आप सिर्फ BCA करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपका भी इतना पैकेज लग सकता है, विच इज गोइंग टू बी 30,000 पर मंथ. I understand this is very less, इसीलिए हमें अच्छे packages लेने के लिए 30-40 लाख पर annum के package लेने के लिए MCA करना compulsory हो जाता है. तो आप ये colleges से जाकर के अगर BCA करते हैं तो definitely you have a chance at grabbing all of these places. Next अब हम बात करते हैं कि हमें अपने BCA के दौरान करना क्या क्या है अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक अच्छे MCA कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए, हम MCA के बाद एक अच्छी कंपनी के लिए भी स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते चले, और हम BCA के बाद भी कोशिश करें हमारा अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट लग जाए. सबसे पहली चीज, BCA की जो आपकी डिग्री होती है वो 3 साल की डिग्री होती है. 3 साल में शुरू के 2 साल जो है वो आपको अच्छी तरह से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में, फंडामेंटल्स को समझने में लगाने हैं. आपको इस टाइम पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, DSL को अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है. अगर आप कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है एक स्टूडेंट की डिग्री में एज फार एज योर स्किल्स आर कंसर्न. आपको भी वही DSL स्किल्स सीखने हैं जो एक BTech के स्टूडेंट्स को या BE के स्टूडेंट्स को सीखने पड़ते हैं, राइट. तो आप भी
कंपेटिटिव कीजिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए, ओपन सोर्स में जा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहां कीजिए। शुरू के 2 साल आपको कंप्लीटली अपने स्किल्स को शार्पन करने में लगाने हैं। अपने स्किल्स को आप जितना ज्यादा डेवलप कर लेंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा एमसीए के बाद आपके लिए अच्छा पैकेज क्रैक करना। इसके बाद जो फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में आपकी प्लेसमेंट की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है जो बीसीए के बाद लगती है। अब आपको यहाँ टाइम लगाना है लगभग 1 साल का, 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लगेगा आपको एमसीए का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सीईटी उसको क्लियर करने में। तो मेक श्योर कि जो आपका लास्ट बीसीए का साल है वो आप रिजर्व करके रखते हैं एमसीए के अच्छे कॉलेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो इसमें आप 1 साल पूरा लगाइए, तैयारी कीजिए। 1 ईयर इज अ डिसेंट इनफ टाइम टू क्रैक एनी गुड कंपनी एमसीए टेस्ट, या फिर आप किसी अच्छे कॉलेज को क्रैक करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम कॉलेज है उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम कॉलेजेस कौन से होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एमसीए। सबसे पहला कॉलेज जो मेरी लिस्ट में है इट इज गोइंग टू बी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका एमसीए कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो ऑफर करता है, आप वहां से एमसीए करके एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी एनआईटीज हैं जो आपको ये ऑप्शन देती हैं। इसके अलावा आप जेएनयू से कर सकते हैं, इसके अलावा आप आईपीयू से कर सकते हैं। अब इन अलग अलग कॉलेजेस से एमसीए करने के लिए कौन से टेस्ट है, उनका नाम है डीयू एमसीए फॉर डीयू, NIM CET for NITs, NITs में NIT Trichy, NIT Warangal, these are the top NITs जहां से आप MCA करके एक काफी अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा JNU से आप MCA की डिग्री कर सकते हैं, या फिर आप IPU से CET का पेपर निकालने के बाद में MCA कर सकते हैं। So these are the papers and these are the top universities जो आपको टारगेट करनी है अपने MCA को करने के लिए। अब एमसीए की जो डिग्री थी पहले ये 3 साल की होती थी, बट रिसेंटली ये 2 साल की कर दी गई है। तो इन 2 सालों को आपको फुली यूज करना है बिकॉज दिस इज द फाइनल शोडाउन टाइम। एमसीए की डिग्री के बाद आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे होंगे, आप ऑफ कैंपस इंटरव्यूज दे रहे होंगे सम ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के। जी हाँ, बीसीए आपने कर ली है, एमसीए आपने एक टॉप कंपनी से कर ली है, तो अब आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हैं अपने सभी ड्रीम कंपनीज के प्लेसमेंट के लिए बैठने के लिए। तो यहाँ आपका बहुत जरूरी है एक अच्छा रिज्यूमे होना, रिज्यूमे पे 3 से 4 कोडिंग प्रोजेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रायर इंटर्नशिप्स की हुई है दे आर गोइंग टू एड टू योर रिज्यूमे लाइक एनीथिंग। इसके अलावा आपका बहुत अच्छे से हाथ सेट होना चाहिए नीट कोड के मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स पर भी। नाउ एक छोटा सा फैक्ट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि आप बीसीए एमसीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपके लिए प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत जरूरी है। उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, आप अच्छी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास और कोई ऐसे टॉपिक्स हैं माइंड में जिन पे आप चाहते हैं हम फ्यूचर में वीडियोस लेकर के आए, सो ड्रॉप देम ऑल इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।